वामन अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, और फटाफट सब लोग बोलो आपको कितने अवतार याद हैं? हाँ, आपको 24 याद है? आप बताओ आपको कितने याद है? जितने याद हो उतने तो बोलो, निकालो बाहर, बताओ कौन कौन से 24 अवतार भगवान के नाम बताओ फटाफट, शुरू हो जाओ। चलो भाई आप बताओ। हाँ कपिल मुनि एक साथ हो गए आपके, आप पकड़ते हाँ कक्षक और गजेंद्र, नहीं गजेंद्र अवतार थोड़ी है, गजेंद्र को बचाने भगवान ने हरि अवतार दिया था, हरि अवतार। हाँ दत्तात्रेय जी, हाँ दत्तात्रेय जी हो गए, आप बता भैया भगवान के चार अवतारों के नाम आप बताओ फटाफट, नहीं पता आप बताओ, पीछे वाली मैया दादाजी आप बताइए, चश्मा लगाए पीछे मोटे से बताओ, बता टोपी वाली मैया बताएंगे, बता बताओ मेरी माँ हंस रही हो, चलो मैं आप बताओ आगे बैठे कुर्सी पर, राम जी कृष्ण जी, कृष्ण भगवान दो बार हो गए, हाँ हाँ चार बार, राधा जी दादा जी चलो सुनो, हाँ मोहिनी ठीक कह रहे हैं, हमारे बच्चे ज्यादा जानती हैं। सुनो भगवान के 24 अवतार कौन कौन से, पहले अवतार है भगवान के ब्रह्मा जी से अवतार हुआ सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों एक हैं, इसलिए इन चारों को एक में गिना जाएगा, जिसे सनकादि कहते हैं, जो हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं और हरि शरणम मंत्र का जाप करते हैं। ये हैं बाप दादाओं के दादाजी, पर रहते 5 साल के बिल्कुल नंगे रहते हैं, 5 साल के बच्चे हैं, ऋषियों के ऋषि भगवान के ये अवतार हैं, पर आनंद से रहते हैं, 5 साल से बड़े नहीं होते, ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था हम 6 साल के नाम है, बड़े होंगे तो संसार की माया हमें भी परेशान करने की इसके पास, इसलिए बड़े ना होइए, छोटे बनने में ज्यादा फायदा। अच्छा बताओ बड़े बनने में फायदा है कि छोटे, बड़े बनने में क्या नुकसान है बताओ, बड़े बैल जो होते हैं ना भूसा खाते हैं और छोटे बछड़े क्या पीते हैं, गाय का, हाँ छोटे बछड़े खाए पिए बड़े हो भूसे खाए, बड़े हो जाएंगे बछड़े तो भूसे से लग जाएंगे, जब तक छोटे हैं तो गैया का बढ़िया दूध पीते हैं, तो बड़े बनने में तो नुकसान है, भूसे में लग जाओगे, छोटे बने रहोगे सबका लाड़ प्यार मिलता रहेगा, इसलिए छोटे रहो, बड़े नहीं भगवान करें आप खूब बड़े हो जाओ पर फिर भी बड़प्पन का अभिमान ना हो, छोटे बनके रहो। हनुमान जी गए लंका माता सीता के पास, छोटे बनके गए तो सीता जी को बड़ी दया आई, मेरा बेटा कितना छोटा है ऐसे गोद में बिठा दिया, अच्छा तुम छोटे से हो और बताओ तुम राम जी से कहाँ बैठोगे, वो जो वहाँ मिले थे हम लोग, हाँ सुग्रीव इत्यादि भी मिले, हनुमान जी कह रहे माँ चिंता ना करना हम लोग बराबर तुम्हारेंगे, राम जी आएंगे और हम पूरी लंका जलाएंगे, सीता मैया बोली तुम इतने से हो तो राम जी की सेना में तुम जैसे और कितने हैं, हनुमान